बिग बॉस की इस हफ्ते की रैंकिंग सामने आ गई है। आखिर किस कंटेस्टेंट को मिली है कौन सी रैंकिंग, और ये रैंकिंग आई एम श्योर कि बिग बॉस के वीकेंड का वार से बिल्कुल मैच नहीं करती। जी हाँ, क्या कुछ है डिटेल्स, चलिए मैं आपको बताती हूँ। वेल हेलो गाइज एंड वेलकम टू फीफा फूज, मैं ज्योति नाहक। हम सभी जानते हैं कि देखो, बिग बॉस ऐसा शो है जहाँ पर जनता सबसे ज़्यादा मैटर करनी चाहिए, बट क्या जनता सबसे ज़्यादा मैटर करती है? नो, जनता की राय जो कुछ भी होती है, जनता की राय जो भी है, वो क्लियरली हमें यहाँ पर तो नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि घर के अंदर वीकेंड का वार पर जिस तरह से पूरी सिचुएशन थी, जिस तरह से कंटेस्टेंट्स को बैश किया गया, जिस तरह से दिखाया गया, क्लियरली बिग बॉस ने अपनी साइड दिखा दी है कि भैया जो राड़ा करेगा वो घर के अंदर ज़्यादा चलेगा। इस वक्त जो लिस्ट आई है, जी हाँ, खबरी ने एक्सक्लूसिवली इसको पोस्ट किया है, वीक वन कंटेस्टेंट्स रैंकिंग एज पर ऑडियंस वोट्स। ऑडियंस के वोट्स के हिसाब से इन जनरल, जरूरी नहीं है कि जो नॉमिनेट हुआ हो, बट इन जनरल कौन कौन कहां पर है। नंबर वन से स्टार्ट करते हैं। नंबर वन पर है अभिषेक मल्हान। जी हाँ, अभिषेक मल्हान की पॉपुलैरिटी इस वक्त घर के अंदर जितने भी लोग हैं उनमें से सबसे ज्यादा अगर कोई पॉपुलर है तो वो अभिषेक मल्हान है। सो अभिषेक मल्हान नंबर वन पर है। नंबर टू पर हैं जिया शंकर। जिया घर के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं कर रही हैं, लेकिन उसके बावजूद जिया शंकर नंबर टू पर हैं। मनीषा रानी थर्ड पर हैं, वेल डिजर्व्ड। आकांक्षा पुरी फोर्थ पर हैं। पूजा भट्ट फिफ्थ पोजीशन पर हैं। अविनाश सचदेव सिक्स्थ पोजीशन पर हैं। सेवन्थ पर आलिया सिद्दीकी हैं। एट्थ पर जैड हडीड है। नाइन्थ पर फलक नाज है, और उसी के साथ साथ टेंथ पर साइरस है और 11th पर बेबिका है। सो कहीं ना कहीं बेबिका जो है वो क्लियरली आप देख सकते हैं कि सबसे नीचे है। जी हाँ, यानी कि बेबिका को ऑडियंस ना ज़्यादा देखना चाह रही है, ना ही ऑडियंस को ज़्यादा वो पसंद आ रही है। उसके बावजूद पूरे शो में कल मेकर्स ने सिर्फ और सिर्फ बेबिका के गुणगान गाए हैं, सिर्फ और सिर्फ बेबिका के बारे में बातें की हैं, जिक्र किया है बेबिका का, और उससे भी बड़ी बात सिर्फ और सिर्फ बेबिका बेबिका ही छाई रही, क्योंकि बिग बॉस ने बहुत बढ़ावा दिया। बिग बॉस का ये हमेशा का है, जब राखी आती है तो उन्हें बहुत बढ़ावा दिया जाता है, अर्शी आती है तो उन्हें बहुत बढ़ावा दिया जाता है, क्योंकि वो घर में राड़ा करते हैं, वो कॉन्टेंट क्रिएट कर रहे हैं घर के अंदर, बीट नेगेटिव, बट जब एंड आने लगता है तब फिर इनकी बैंड बजाई जाती है, क्यों? क्योंकि अब मतलब निकल गया। तो बिग बॉस इस वक्त बेबिका के साथ भी वही कर रहे हैं। क्लियरली आपको बेबिका कैसी लगती है, और क्या आपको वो सही लग रही है घर के अंदर, बताइएगा।